डी ईयर सेकेंड ईयर जनरल स्कूल एंड सोसाइटी, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, व्हाट आर इट्स टाइप्स सजेस्ट ऑफ आर सोशल क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास में हम लोगों को उनके कार्य के हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि कौन इंसान किस टाइप का कार्य करता है, उसको इस हिसाब से उस लेवल में डाला जाता है। अगर कोई हायर, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो बिजनेस मैन है वो कौन सी क्लास में, जो टीचर और मैनेजर है वो कौन सी क्लास में, जो लेबर्स वगैरह होते हैं जो मतलब मेहनत रोज का जो पैसा कमाते हैं वो किस लेवल में है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। क्लास इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इट इज डिवाइड ऑफ अ सोसाइटी इनटू लेवल्स ऑन पावर और साइको इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें क्या होता है, जो क्लास होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है हमारे समाज के लिए, और इसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, किस हिसाब से डिवाइड करते हैं, लेवल के हिसाब से, उनके पावर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और क्या उनके पावर के हिसाब से और उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अ पीपल इंटू ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसे क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है लोगों का, उनके जो उनका कार्य करने का कार्य होता है उसके हिसाब से, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है कि किस हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं या फिर किस हिसाब से रहते हैं, उनके पास क्या है क्या नहीं है, उनके उनके कार्य के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इट इज़ ब्रॉडली ऑर्गेनाइज इंटू थ्री मेन लेयर। ये क्या होता है, जो क्लास होती है जो मेनली होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, वो तीन लेवल में होती है, अपर क्लास, मिडल क्लास एंड लोअर क्लास। ईच मतलब तीन क्लास होती है, जो सबसे अपर होती है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, मिडिल क्लास होता है जिनके पास ठीक ठीक से होते हैं, और जो लोअर क्लास होती है वो बहुत ही नीची क्लास होती है जिसमें क्या होता है, जैसे लेबर मजदूर वगैरह आते हैं। ईच ऑफ दिस क्लासेस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू स्मॉल क्लासेस, डैट मीन्स ऑक्यूपेशनल। इसमें क्या होता है, जो बाकी जो क्लासेस होती है, जो हमें मेनली थ्री क्लासेस होती हैं, परंतु तो जो ये क्लास होती है इनको फर्दर हम क्या डिवाइड करते हैं क्लासेस में, जैसे ये अपर क्लास है वो कौन से, अपर क्लास भी अगेन दो क्लासेस में डिवाइड होती है, मिडिल क्लास भी दो अलग क्लासेस में डिवाइड होती है। इस हिसाब से इन्हें सब डिवाइड करा जाता है उनके कार्य के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। टीचिंग अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है, जो टीचिंग हम बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी भी कराते हैं, इसमें भी हम क्या उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं कि बच्चा कौन मतलब अपर क्लास का है, मिडिल क्लास का, मतलब उसको इस हिसाब से पढ़ाई की जाती है। इनइक्वालिटी मीन्स पीपल हैव अनइक्वल एक्सेस टू वैल्यू रिसोर्स इन सोसाइटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब उन्हें एक नज़रे से नहीं देखा जाता, उनका जो कार्य करने की जो जगह होती है वो इक्वल नहीं होती है, उनके जो सोर्स वगैरह होते हैं, जैसे उनके पास कार वगैरह होती है, किसी का खुद का घर होता है, कोई रेंट पे रहता है, उस हिसाब से उनको उस क्लास में डिवाइड किया जाता है और उस हिसाब से उनको आगे देखा जाता है, उस हिसाब से कार्य किया जाता है। टाइप्स ऑफ क्लासेस। टाइप्स क्या होते हैं क्लासेस के, लोअर क्लास। लोअर क्लास क्या होता है, लोअर क्लास बिलोंग टू पॉवर्टी, होमलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कहा था, जो लोअर क्लास होती है वो बिलोंग करती है जिनके पास मतलब खुद के घर नहीं होते, किराए के घर पे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, और वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एज ए एम्प्लॉय काम भी नहीं करते हैं, एज ए लेबर वगैरह की तरह काम करते हैं, जो रोज की दिहाड़ी पे कार्य करते हैं। द क्लास ऑफ पीपल सफर फ्रॉम लैक ऑफ मेडिकल केयर, फूड, डिसेंट क्लोथिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इस क्लास में के जो लोग होते हैं उन्हें किस चीज़ का सफ़र करना पड़ता है, लैक ऑफ मेडिकल केयर, मतलब उन्हें जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो भी अच्छे से नहीं मिलती है, ना ही उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं, ना ही अच्छा खाने को मिलता है, और ना ही कोई वोकेशनल जैसे छुट्टियाँ वगैरह होती है उसमें जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई वगैरह, इस प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। द वर्किंग क्लासेस। वर्किंग क्लासेस क्या होती है, वर्किंग क्लासेस आर दोस मिनिमली एजुकेटेड पीपल हु इंगेज इन मैनुअल लेबर विद लिटिल मनी। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो कम एजुकेटेड होते हैं, मतलब बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, और वो हाथ से कार्य वगैरह करते हैं, मैनुअली लेबर, जैसे लेबर वगैरह होते हैं वो होते हैं। द अनस्किल्ड मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर एंड इज कॉल्ड वर्किंग पुअर। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, और क्या होते हैं, उनके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना कैरियर अच्छे से बना सके, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्किंग पुअर कहते हैं। मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास क्या होता है, जिसमें वो वेल्थ एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना कार्य कर सकते हैं, और वो जो लोअर लेवल होता है उससे थोड़ा सा अपर होते हैं, और जो मिडिल क्लास होती है वो भी
क्या होता है, फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड होती है। लोअर मिडिल क्लास, लेस एजुकेटेड पीपल, पीपल विद लोअर इनकम, एग्जाम्पल के लिए टीचर और मैनेजर। इसमें क्या होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होती है इसमें थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और उसमें क्या होता है, कम लेवल, कम मतलब जो इनकी इनकम होती है कम होती है, जैसे कि टीचर हो गया, मैनेजर हो गया। मतलब उन्हें ऐसा भी नहीं होता कि अनपढ़ होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि वो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। मतलब इतने होते हैं कि हाँ वो अपना कार्य कर लेते हैं और अपना घर परिवार चला लेते हैं। अपर मिडिल क्लास, इसमें क्या, इट इज ऑफ्टन मेड अप ऑफ हाईली एजुकेटेड बिजनेस विद हाई इनकम। इसमें क्या होता है, इसमें के जो लोग होते हैं, जो इनकी जो पढ़ाई होती है, क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन होती है, वो थोड़ी सी हाईली हाई होती है, जिसमें क्या होता है, बिजनेसमैन बनते हैं। जैसे वो खुद का बिजनेस कर सकते हैं, अपने अंडर में लोगों को रख के कार्य करवा सकते हैं। मतलब इसमें उनकी इनकम जो होती है वो हाई इनकम होती है। अपर क्लास, अपर क्लास क्या होती है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अपर होते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, और ये भी फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड होती है। लोअर अपर क्लास क्या होती है, इंक्लूड दोज विद मनी मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो इसमें के जो लोग होते हैं वो अपने मनी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस के में लगाते हैं, इस तरीके से ये पैसे कमाते हैं। और जो अपर अपर क्लास होता है, इसमें क्या होता है, इंक्लूड हाई सोसाइटी, इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, हाई सोसाइटी के फैमिली से होते हैं। इट इज एक्सट्रीमली रिच, बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। बोथ क्लास हैव मोर मनी देन अदर क्लास। इन दोनों क्लास में, जो लोअर अपर क्लास है और अपर अपर क्लास है, इन दोनों के पास बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। बाकी डायमेंशन ऑफ क्लास, इसमें क्या होता है, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑक्यूपाई अ सिमिलर पोजिशन ऑफ इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, बहुत ही लार्ज ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, एक ही पोजीशन पे, इन इकोनॉमिक सिस्टम में, एक सिस्टम की तरह। देर आर सेवरल डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोशल क्लास। इसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह के जो डायमेंशन सोशल क्लास होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे इनकम होगी, वेल्थ होगी, पावर होगी, ऑक्यूपेशन, रेस, एजुकेशन, एथनिसिटी। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास और उसके टाइप्स पढ़े होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप रोज ऐसी वीडियो देख सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक